हेलो स्टूडेंट्स, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा था? पॉलिनोमियल। अब हमने प्रीवियस क्लास में फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ा था, वो क्या होती है, कैसे क्या होती है। उससे हमने कुछ रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, कैसे उसको हम डिवाइड करते हैं, कैसे रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। आपको क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। कैसे? जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, डिवाइड 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। आपने क्या देखा? आपको रिमाइंडर निकालना है इसको इससे डिवाइड करके। तो देखिए, मैंने स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, दो तरीके हैं इसके, टू मेथड्स है। कौन से? एक तो हम इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे, और एक क्या था, हम मान लेंगे एक्स माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसको क्या पुट करेंगे, 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1। x की वैल्यू 1 आएगी, तो यहां पे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम px मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको हम p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो यहां पे हम x की वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, जहां पे भी आपको x दिखाई दे रहा है, प्लस 5 1² माइनस 3 1 प्लस 2। अब इसको सोल्व करने के लिए 2 1² 1, अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी 1 होगा, माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। अब आपने ये चीज देखा, अभी इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, प्लस प्लस के जितने भी आपके टर्म्स है उसको हम इकट्ठा लिखेंगे। प्लस प्लस का 2 भी है, 5 भी है, और ये 2 भी है, 5 और 2 7 प्लस 2 9 माइनस 3, तो आंसर कितना आ गया आपके सामने, 6। तो इसका रिमाइंडर जो हमारा ये पॉलिनोमियल है, जब हम इसको एक्स माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, तो उसका रिमाइंडर कितना आया, कितना आया स्टूडेंट्स, 6, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज बोल सकते हो, क्या चीज बोल सकते हो, लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, यदि हम x माइनस 1 को इससे डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा एक बार, जब हम x माइनस 1 को इससे डिवाइड करते हैं, यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये इसका एक फैक्टर है। क्या बोला? यदि हम x माइनस 1 यहां पे पुट करके ये 6 की जगह 0 आ जाता, तो ये इसका फैक्टर होता। बट x माइनस 1 यहां से हम क्या बोलेंगे, x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कौन सा है, सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब डिवाइड क्या होगा, अब देखिए चेंज होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। क्या है ये, बोल देंगे 5x³ प्लस 3x माइनस, जैसे मैंने बोला 2, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, अब की बार बाय x प्लस 2 से। अब देखिए x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, क्या तरीका है, वही तरीका है, x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे, यहां से x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, तो यहां पे हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम p ऑफ x मान लेंगे, ठीक है। p ऑफ x का मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 2। सर ये तो बिल्कुल आसान हो गया अब हमारे लिए, कैसे भी आ जाए अब हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 8, माइनस 8 प्लस 3 × 2 माइनस 6 माइनस 2। अब देखिए माइनस 8 और 5 माइनस 40, अभी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2। अब देखिए ये तो सारी चीजें सब नेगेटिव में आ गई, तो नेगेटिव में आ गई तो क्या होगा, हम नेगेटिव को जोड़ देंगे, 40 प्लस 6 प्लस 2 48, लेकिन किस चीज का आएगा, माइनस का, माइनस 48। तो इसका रिमाइंडर क्या हुआ आपका, माइनस 48। तो यहां से आप वो ये चीज बोल सकते हो सर कि x प्लस 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, हमने इजिली इसको कर लिया। अब यहां से देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये तो हमने क्या किया, इसको जो हमने रिमाइंडर थ्योरम थी उससे सिंपल वे में किया है, लेकिन यदि मैं इसको आपसे कहूं कि इसको तो डिवाइड करना है 5x³ प्लस 3x माइनस 2 से, अब डिवाइड करने का तरीका क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे लास्ट वीडियो देखिए, अब लास्ट वीडियो में उसके बाद देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, हेजिटेट नहीं होना आपको, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका,
क्या है? अब देखिए सिंपल क्या होगा, चेक वेदर 4t³ + 4t² + 2t - 2t लिख लेते हैं, -2t - 2, ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ 2t + 1। अब देखिए सिंपल आपके सामने ये क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि भाई आपको ये देखना है क्या ये इसका मल्टीपल है या नहीं, उसका तरीका क्या है। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन क्या किया, उसको त्रोड़ मरोड़ के लिख दिया। त्रोड़ मरोड़ का मतलब क्या है, सेम यदि आपके सामने मेरी मैं क्वेश्चन बोल लूं कि फाइंड रिमाइंडर डिवाइड दिस बाय दिस, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका भी तरीका क्या है, यहां पे एक मल्टीपल है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टूडेंट्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल्स, ठीक है। जैसे यदि चलो मैं ही बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर वो बताना है। अब देखिए मैं बोलता हूं क्या टेन 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो 2 की टेबल में आता है, जैसे 2 5 जा। अब देखिए ये जो 10 है वो 2 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, 10 का भी मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन यदि मैं कहूं 10 के फैक्टर्स वो क्या होंगे, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने, ठीक है। मैंने बता दिया 10 के मल्टीपल्स बता दिए, 10 के मल्टीपल्स कहूं 10 × 10 × 10 के मल्टीपल्स, 10 की टेबल, 10 × 10 = 10 × 10 = 20 × 10 = 20 × 10 = 30 इस तरीके से कंटिन्यू। लेकिन व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 10, 10 के फैक्टर्स बताने, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्या करना है, सिंपल 2t + 1 को 0 पुट करना है, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1/2। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब क्या है t की वैल्यू जहां पे भी आपको आपका पॉलिनोमियल है हम उसको मान लेंगे। आपको मानना है स्टूडेंट्स लेट pt, ठीक है, आपको सिंपल जो आपके सामने पॉलिनोमियल है वो आपने लिख देना है, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना, t की वैल्यू पुट करनी है, कहां पे पुट करनी है, जहां पे आपको t दिखाई देता है, p ऑफ -1/2। देखिए ध्यान से पुट करेंगे, यहां पे अक्सर गलती होती है, क्या गलती होती है मैं बताऊंगा आपको, 4 - 1/2 whole cube + 4 - 1/2 square - 2t - 2, ठीक है। अब आपको सोल्व करना है, देखिए ध्यान से, -1/2 का क्यूब कितना होता है सर, 1/2 का तो पता है कितना होता है, 1/8, तो -1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1/8, ठीक है। हम आगे चलते हैं प्लस, अब देखिए यहां से 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा, मैं लिखता हूं 1/4, ठीक है, लिखते हैं अभी -2 1/2 और -2। सर ये चीज तो आपने लिख दी, यहां पे तो आपने माइनस लगा दिया, यहां पे आपने प्लस लगा दिया, सर बात क्या है इसको समझाइए। देखिए यदि मैं बोलता हूं -1 का स्क्वायर, क्या बोला, -1 स्क्वायर = क्या होता है, -1 × -1, दिस इज आपको पता 1 होगा, ठीक है। मैं बोलता हूं -2 का क्यूब मींस -2 × -2 × -2, माइनस से माइनस तो कट जाएगा लेकिन ये तो बच जाएगा एक माइनस, तो क्या हो जाएगा -8। तो यहां से आपने क्या देखी, यदि हम किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो ऑलवेज आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। बट यदि हम -1 का क्यूब करते हैं या उसको हम 5 times करते हैं, तो यहां से एक चीज आपको समझ में आएगी, यदि यहां पे कोई पॉजिटिव नंबर है तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यदि यहां पे कोई ओड नंबर है तो वो क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब यहां देखिए क्या होगा, कट हो जाएगा ये बिल्कुल, कितना हो जाएगा 2। अब ये कैसे आया सर, जैसे हम लिखते हैं 4/8, इसको हम कट करेंगे तो क्या होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल आपने कट किया तो -1/2 हो गया। अब देखिए 4 से 4 कट है बिल्कुल, तो ये कितना बच जाएगा, +1। अब देखिए ये 2 से 2 कट है तो हम इसको माइनस इस तरीके से लिखते हैं और ये -2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, -1/2
प्लस वन, माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस, क्या होता है माइनस माइनस प्लस, प्लस वन माइनस टू। अब यहां देखेंगे वन और वन कितना होता है टू, और ये टू नेगेटिव है, आपस में कट हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना होगा माइनस वन बाई टू। तो यहां से आपने क्या चीज देखी, आपने क्या किया, टू टी प्लस वन को जो आपको दे रखा था उसको आपने जीरो के इक्वल पुट किया, आपने टी की वैल्यू निकाली और टी की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, आपका आंसर क्या आ गया माइनस वन बाई टू। मीन्स ये क्या आया, नेगेटिव, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन जीरो तो नहीं आया। यदि यहां पे जीरो आ जाते तो हम बोल देते यस 2t plus 1 इज ए मल्टीपल ऑफ दिस, बट दिस इज नॉट जीरो, तो यहां पे हम क्या बोल लेंगे, हेंस 2t plus 1 इज नॉट ए क्या मल्टीपल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, देखिए क्वेश्चन वही था, सेम था, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, यदि कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है क्वेश्चन सेम लेकिन तरीका अलग, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या है वैल्यू ऑफ के बतानी, कहां पे इन पीएक्स, पीएक्स क्या देगा आपको, वो देगा एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस फाइव एक्स प्लस के, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, एक्स प्लस वन ले लेते, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको जो पॉलिनोमियल दिया होता है, क्या बोला, जो पॉलिनोमियल दिया होता है वो स्टूडेंट्स आपको परफेक्ट दिया होता है, यहां पे एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस टू, ठीक है, लेकिन यहां पे आपको के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन को क्या करेंगे हम जीरो की पुट इक्वल पुट करेंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने माइनस वन आ जाएगी, तो आपको क्या करना है p ऑफ माइनस वन, ठीक है, वो क्या करना है, वन की जगह जो भी है आपको x की जगह जो भी कुछ है वहां पे क्या पुट करना, माइनस वन, p ऑफ माइनस वन इक्वल माइनस वन स्क्वेयर प्लस फाइव माइनस वन प्लस k। अब यहां पे k कुछ नहीं है तो k एज इट इज लिखेंगे हम। अब यहां से क्या होगा, p ऑफ माइनस वन आपने क्या किया, ये क्या है जीरो के इक्वल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, दोबारा ध्यान से, किसी की भी पावर पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा वन, प्लस माइनस माइनस फाइव प्लस के, ठीक है। अब देखिए वन माइनस फाइव क्या आएगा आपके सामने आंसर माइनस फोर प्लस के। अब तो ये चीज हमारे लिए आसान होगी सर, क्या आसान है, हम तो के की वैल्यू निकालनी है, अब ये के यहां पे क्या, ये चीज नेगेटिव यहां पे आती क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी, तो के की वैल्यू कितनी आ गई फोर। तो यहां से आपने क्या देखा, कुछ नहीं सर, सिंपल वो इक्वेशन है, तो यहां से के की वैल्यू निकल के इसके बाद मैं आपसे पूछू पॉलिनोमियल क्या बना आपका, तो हम क्या बोल सकते हैं पी ऑफ एक्स क्या बना एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर, क्योंकि आपके सामने k की वैल्यू आ गई, तो यहां से आप क्वेश्चन निकाल लोगे k के, कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने k। अब देखिए यहां से मैं एक चीज दे देता हूं, अब यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, अब देखिए मैथ में मैंने एक चीज बताई थी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, रूट टू के प्लस मैंने यहां पे दे दिया फोर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब मैं इसको एक सॉल्यूशन बताता हूं किस तरीके से करना है, और आप इसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे सर इसका आंसर तो ये आया, क्या है, क्या कुछ डिफरेंस है इसमें, कुछ भी नहीं है, क्या है, आपने देखा p ऑफ माइनस वन हमने निकाला, अभी माइनस वन की जगह पुट कर देंगे प्लस रूट टू के प्लस फोर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा वन प्लस रूट टू के प्लस फोर, तो फाइव प्लस रूट टू के ये जीरो के इक्वल है, तो यहां पे क्या आंसर आएगा आपका, सर ये तो कर ही दो, अब तो रह क्या गया, कुछ भी नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, अब फाइव है, फाइव यहां जाके माइनस इक्वल रूट टू के, के की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस फाइव बाई रूट टू। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल के की वैल्यू निकाल लिया आपने, के की वैल्यू कैसे निकाल ली भाई, हमने जो हमारा एक्स था उसको माइनस वन जीरो पुट करते हैं हम एक्स प्लस वन को, उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालते तो के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई तो आपका आंसर आ गया,
ठीक है, तो यहां से हम किस तरीके से करेंगे, एक बार कर लेते हैं, क्या हो गया, क्या होगा पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस रूट टू, ये कितना आया माइनस फाइव बाई रूट टू प्लस फोर, क्या ये इससे कुछ आगे सोल्व हो सकता है, बिल्कुल सर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा फाइव प्लस फोर, ठीक है। अब ये क्या आया है, क्या ये चीज मैंने आपके सामने सही की है या नहीं की है, वो चीज आपको कैसे पता लगेगी, वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। यदि हम इसको देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई है, हम k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम k की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और है, ठीक है, कैसे क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे क्वेश्चन आएगा। कई बार यहां पे x दे देगा वो, ठीक है, एक्स स्क्वायर दे देगा, उस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो चीज आपके सामने एक बार पेपर में तो कम से कम एक बार तो आता ही आता है, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है, किसका करना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी करना है और क्यूबिक का भी करना है, दोनों का करना है। तो देखिए हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उससे स्टार्ट करते हैं, क्या हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखना है। अब देखिए एक इस मेथड का एक नाम है, क्या है, एक बार यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स तो वो चीज आपका क्यूबिक में काम आएगा, ठीक है। यहां से कैसे क्वेश्चन करना है, एक मेथड है वो है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड एक तरीके, इस तरीके से हम इस मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा ध्यान से देखिए। इसमें दो चीजें होती हैं इस मेथड में, एक तो हमारे सामने होता है प्रोडक्ट और एक होता है सम, ठीक है। अब प्रोडक्ट और सम कैसे निकाल लेंगे, जो प्रोडक्ट होता है वो लास्ट, जो लास्ट टर्म है उसको हम फर्स्ट वन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोला स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट वन से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो सम होगा, जो मिडल टर्म है वो आपका क्या होगा, सम होगा। मिडल टर्म कितनी है, माइनस एक्स, वो क्या है, मिडल टर्म कौन सी है, माइनस एक्स। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हम ऐसे माइनस ट्वेल्व लिख लेते हैं। अब देखिए क्या है, मैंने एक चीज जब हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल वहां पे एक चीज बताई थी, जो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो हमारे जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, दो आएंगे, तो फैक्टर भी कितने आएंगे, फैक्टर कितने आएंगे, दो ही आएंगे। कैसे आएंगे, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट 12, हमको कोई ऐसे दो नंबर देखने हैं, क्या बोला स्टूडेंट्स, ध्यान से, हमको दो नंबर देखने जिसका, जिसकी मल्टीप्लाई 12 हो लेकिन जो सम है वो माइनस एक्स आ जाए या माइनस वन आ जाए, ठीक है। जैसे हम 12 के हम 12 देखेंगे, 12 किसको हम कैसे क्या करते हैं, 3 इंटू फोर, ठीक है, 12 और कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू सिक्स, और किस तरीके से लिख सकते हैं 12 को, 1 इंटू ट्वेल्व, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपने 12 लिख लिया, हम इसको तीन तरीके से ऐसे लिख सकते हैं मिडल टर्म को, मिडल जो 12 है हमको मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, सम कितना आना चाहिए, माइनस वन, क्या इसका, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या माइनस वन आएगा, सर नहीं आएगा, तो नहीं लेंगे। क्या इसको हम माइनस करें तो आएगा, सिक्स माइनस टू ये तो फोर आएगा, ये भी नहीं आएगा। हाँ ये चीज है सर, फोर और थ्री कितना है, ट्वेल्व, यदि फोर में से थ्री कर दू तो वन प्लस वन और माइनस वन आएगा, वो हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर, अब यहां पर हम लिखेंगे थ्री एक्स और यहां पर लिखेंगे फोर एक्स, और एज इट इज, सर ये क्या लिख दिया, कुछ नहीं किया मैंने, 3x और 4x आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई 3x, अब देखिए अब x square कैसे आएगा, अब ध्यान से एक बात सोचने की है दोस्तों, वो क्या है, x square आएगा कैसे, x square कब आएगा, जब 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने दो चीजें लिख दी, अब देखिए आपको एक चीज देखना, प्लस कहां आएगा और माइनस कहां आएगा। अब देखिए यदि मैं लिखता हूं इसको माइनस, दोनों को माइनस लिख देता हूं, ध्यान से देखिए,
यदि मैं दोनों को माइनस लिख देता हूं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सर 12x स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस प्लस आ गया, लेकिन हमको तो माइनस का चाहिए, तो क्या मैं इसको प्लस का कर दूं? चलो हम करके देखते हैं। 4 और 3 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर सर बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन हमको सम भी देखना है। 4x में से यदि हम 3x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स? x बचेगा। क्या बचेगा? पॉजिटिव x, लेकिन हमको क्या चाहिए? नेगेटिव। तो इसलिए हम इसको साइन को चेंज कर देंगे, यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब देखिए इसका अगला स्टेप क्या है, थर्ड वन स्टेप क्या है, हम इन दोनों में से दोनों में से देखिए 4 पार्ट्स हैं, दो इसमें यहां से कुछ कॉमन आएगा, यहां से कुछ कॉमन आएगा। देखिए क्या आएगा, यहां से x कॉमन आता है तो x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए थर्ड वन में क्या कंडीशन है, जो x प्लस 3 यहां पे कॉमन आ जाएगा वही सेम आपका यहां पे आएगा। तो यहां से लेने के यहां इसमें से कॉमन x प्लस 3 कब आएगा? जब यहां से हम माइनस 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि देखिए माइनस 4 यहां से प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर x प्लस 3 को दोबारा से कॉमन लेंगे x प्लस 3, और क्या है जो बच गया उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि मैं सिंपल क्वेश्चन आता है फैक्टराइज करना है आपको दिस वन इस इक्वेशन को, तो आपके आंसर ये आ गए, ठीक है। आंसर कौन से फैक्टर हो गए, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 4। सर ये चीज तो बता दी, अब हम इसको प्रूफ कैसे करें? अब देखिए वो चीज आपको एग्जाम्स में नहीं करना, लेकिन आपके सर की आपने ये x प्लस 3 x माइनस 4 लिख दिया, हम इसको रीचेक कैसे कर सकते हैं, क्या ये चीज हमने सही लिखी है या नहीं लिखी? तो देखिए इसको रीचेक करते हैं, x प्लस 3 और क्या है x माइनस 4। यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दे दोनों चीजों को और यदि आपके सामने यही आंसर आ जाए तो सर हमने जो चीज अभी तक मेथड किया था वो हमारा परफेक्ट है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई आपने सीखी है प्रीवियस क्लासेस में सीखी है, एक्स को हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो थर्ड थ्री है उसको भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब 3 से प्लस 3x माइनस 3 4 जा 12। सो कुछ एक चीज देखिए, यहां से कुछ समझ में आया आपको? सर ये तो वही चीज है जिट इज लिख दी, करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। क्या हमारे सामने यही पॉलिनोमियल था? ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई यदि इसमें अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन है, फैक्टराइज है, आप इसको हमको समझ में कैसे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको इजिली समझ में आता जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 88। अब देखिए इसको करने के लिए क्या है, अब क्या तरीका है? अब देखिए सर ये चीज तो देखिए हमने प्रोडक्ट किया था, हमने सम किया था, अब प्रोडक्ट कितना आएगा एक बार ध्यान से देखिए, लास्ट वन को फर्स्ट वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 88x स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा सम आपका माइनस 3x। अब देखिए आपको क्या करना है, 88 के आपको फैक्टर्स करने, कैसे होंगे देखिए, 2 × 44, 3 से क्या डिवाइड है, नहीं है, ठीक है, 4 से है सर बिल्कुल है, 4 × 2, 2, 3 से है नहीं, 4 से के बाद 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, कैसे क्या होगा? अब 7 से भी नहीं है, 8 से है, 8 × 11, 9 से है डिवाइड नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से है, ये 11 तो लिख दिया हमने। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, देखिए इसके बाद जो हम देखेंगे इसके बाद रिपीट होता जा रहा सारी चीजें। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से क्या किया था हम पिछले क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे। रिकॉल कैसे करेंगे सर, कि हाँ हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है। अब देखिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको क्या देखना है, माइनस 3 देखना है, क्या इसमें से माइनस 3 आया, नहीं, क्या 3 आया, नहीं, क्या आया, नहीं, हाँ सर 11 × 8 कितना आया, हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या है 3 आ गया, 3 यहां पे ये मतलब नहीं है स्टूडेंट्स कि सर आपने 11 × 8 3 लिख दिया, नहीं, इनका डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे, कुछ नहीं है, क्या है आपके सामने 8 और 11 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर
अब यहां पे 8x लिख लेंगे, यहां पे 11x लिख लेंगे और यहां पे माइनस 88 लिख लेंगे। आपको पता है 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या माइनस की देख रहे हैं, अब देखिए वही चीज यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। आप देखिए यहां पे आप इसको रफ यहां पे एक बार ऐसे बना के रफ उसको ऐसे लिख लो 8x और 11x। अब देखिए ये परेशानी आपको कब तक आएगी, जब तक हम इसके एक या दो क्वेश्चन कर लेंगे ना उसके बाद आपको इजीली समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है 8x और 11x लिख लिया। अब देखिए माइनस 3x करना, माइनस 3x का तरीका क्या है, यदि 8x यदि देखिए यहां पे यदि मैं सिंपल लिख देता हूं, क्या लिखा कुछ नहीं, 8x को मैंने पॉजिटिव लिखा, 11x को मैंने नेगेटिव लिखा, 11x माइनस 8x क्या हो गया माइनस 3x, ये चीज तो हमको चाहिए। तो मींस माइनस और प्लस, एक बार और रीचेक करेंगे क्या है 11 इंटू 8 88, लेकिन माइनस का बिल्कुल चीजें सारी ठीक जा रही हैं सर। अब क्या करना है सर, आपने बताया था इन दोनों में से एक कॉमन लेना, यहां से कुछ कॉमन लेना, यहां से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे आपको x प्लस 8 ही चाहिए, कंडीशन ये यहां पे एक बार जो चीज कॉमन आएगी सेम यहां पे भी कॉमन आएगा। अब देखिए यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा, क्या लूंगा, देखिए 11 और 8 यहां पे 8 कब आएगा, 11 तो सर कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो चीज आपको डिसाइड करनी है। 11x यहां पे देखा, यदि आप 11 कॉमन ले लेंगे प्लस का तो माइनस और माइनस आ जाएगा, लेकिन आपको क्या लेना है नेगेटिव, नेगेटिव लेते ही x प्लस 8, देन x प्लस 8 अगेन कॉमन और x माइनस 11। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा फैक्टराइज। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपके सामने जो आपको होमवर्क करना है, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। मेरा वो एक चीज हम कमेंट आई है सर आप बोलते हो घबराना नहीं है, तो आपको घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 30। ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है, कहां कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके फैक्टर्स कितने हैं, दो फैक्टर्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी वीडियो को, आज अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आज अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी 9th क्लास, उसमें क्यूबिक, हम क्यूबिक पॉलीनोमियल के कैसे फैक्टर निकालते हैं, इसमें कितने फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स, 3 होंगे, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब देखिए यदि हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसके कुल कितने, टोटल कितने फैक्टर आएंगे 3। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें यदि आज मैंने जो रिमाइंडर रिलेटेड करवाया है और जो आज आपको फैक्टराइज करवाया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल्स पे न्यू है तो वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।